छत्तीसगढ़ के रायपुर में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। उन्होंने भरोसे की यात्रा को भ्रष्टाचार यात्रा बताए जाने पर विपक्षी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस चीज से वो लिप्त रहे हैं उन्हें वही चीज याद आती है। हम लोगों ने जो कहा था उससे बहुत कुछ किया है। ये भरोसा यात्रा में हम शामिल होंगे। इसके साथ ही बिलासपुर में राहुल गांधी के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि बिलासपुर संभाग की 24 सीटों में से 13 सीटें कांग्रेस के पास है, 2 वीएसपी के पास है। स्वाभाविक है कि भाजपा को वहां खोने को बहुत कुछ है, कांग्रेस को बढ़त लेने की संभावना है। संभाग की 24 सीटों में अब 25 सीटों में 13 कांग्रेस के पास है और 2 बीएसपी के पास है, तो स्वाभाविक है कि वहां भाजपा को खोने को बहुत कुछ है और कांग्रेस को बढ़त लेने के लिए संभावना है, तो दोनों कंसंट्रेट कर रहे हैं। ऐसा बहुत अच्छा है, चर्चा भी हो रही है और हम लोग चाहते भी हैं कि कंसंट्रेट हो कि नहीं। एक लोकसभा है तो 9 की 9 सीट महिलाओं को मिल जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। महिलाएं हर संभाग में हैं, हर विधानसभा में हैं, हर लोकसभा में हैं कम से कम, तो 2 का टारगेट लेके चलते हैं तो एक लक्ष्य है। 11 लोकसभा हैं, 22 सीटें होती हैं, तो पिछले बार से ज़्यादा 20 के आसपास।